उम्मीद तो है कि कुछ समय बाद तक गोंडार गांव में रोड चले जाएगी। यहाँ से देखिए कितनी भयंकर सी खाई है नीचे। अब इसके बाद काम शुरू हो जाता है खेतों से खरपतवार निकालने का। पहाड़ों की पारंपरिक चक्की दिखाई दी है। एक बार चलते हैं सबसे पहले कुल पहाड़ी के घर पे, मतलब काफी सही है चलने में पहाड़ों के लिए। फिर रुद्रनाथ जाएगा। तो सुबह सुबह आज जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, सामने के पहाड़ देखिए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बहुत दिनों के बाद कहीं ट्रिप से घर पे जब आते हैं ना तो बहुत ही सुकून सा मिलता है, बढ़िया लगता है। बाकी आसपास के माहौल में बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलते हैं। अब जैसे यहाँ खेतों में लोगों ने गेहूं की कटाई आधी कंप्लीट कर दी है, चारों ओर हरियाली बढ़ने लगी है। बहुत दिनों के बाद पहाड़ बड़े क्लियर दिखाई दे रहे हैं और हरियाली धीरे धीरे ऊपर बुग्यालों की ओर बढ़ने लगी है। दिन के 10:15 हो चुके हैं। अब एक बार चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे, वहाँ पे कोई मेहमान आने वाले हैं। बाकी बहुत दिनों से घर पे काम भी रुका पड़ा है, शायद कल से मिस्त्री लोग आ जाएंगे काम करने के लिए दोबारा से। और ऊपर छत को पड़े हुए 10-11 दिन भी कंप्लीट हो चुके हैं अभी। अभी 10 दिन और शटरिंग लगे रहने देनी है इस पे। बाकी मनसुना मार्केट में पूरा माहौल चेंज हो रखा है, माहौल सुनसान सा है। पूरी सड़कों पे यहाँ पेंटिंग हो गई है अच्छे तरीके से। मनसुना मार्केट में बाइक को पार्क करने की जगह बदल गई है। रात को मैंने सामने इस कार के पास में पार्क करी थी बाइक, यहाँ पता नहीं कौन लाया मेरी बाइक को। पर अच्छी बात है कि यहाँ रोड की कंडीशन सुधरती जा रही है धीरे धीरे, मार्केट भी बहुत अच्छा बन गया है अभी। चलो जी, यहाँ पे गाड़ी भी पहुंच चुकी है जो मेहमान आए थे। जय बाबा केदार, जय बद्री सालदेव। बहुत दिनों के बाद इस वाले घर पे पहुंचे हैं तो बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। बाकी बारिश के बाद तो चारों ओर का माहौल बड़ा सुहावना सा हो रखा है, चारों ओर बस हरियाली छा रही है। और घर पे देखिए खूब सारा गेहूं वगैरह लाया हुआ है, सब लगे हैं गेहूं को कूटने वगैरह पे और उनसे बालियां वगैरह निकालने पे। चलो जी, हर साल यात्रा के अगले दिन गिफ्टी भैया से मुलाकात तो होती है। पहले तो ये बताइए भैया जी, कैसा रहा इस बार का सफर? अरे भैया बहुत अच्छा रहा, आपकी कृपा से दर्शन अच्छे हो गए, आप ही ने फोर्स किया भैया केदार बाबा के दर्शन अच्छे, तो सब बढ़िया हो गया भैया। चलो बढ़िया। अब श्री बद्रीनाथ धाम में कितनी भीड़ है अभी यात्रियों की? है भैया ठीक 10-15 हजार के आसपास है गाड़ियां। अच्छा, अच्छी भीड़ है। अच्छा, दर्शन हो रहे हैं वहाँ भी? दर्शन हो रहे। देखिए जी, अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमें जाना है नए वाले घर पे, वहाँ से कहीं और भी जाना है। गिफ्टी भैया आए हैं, बहुत समय के बाद आना होता है इनका, तो आज घर पे इनको अच्छे से खाना खिलाएंगे और आज यहीं रहेंगे। बाकी घरों में आजकल गेहूं की छोटी छोटी पूलियां रखी हुई हैं और बंदर इतना नुकसान कर रहे हैं कि पूरे जंगल की ओर लगी है हमारी गेहूं की पूलियां, ये देखिए। और यहाँ पे एक ये काफल का पेड़ है जिस पर की काफल भी पकने लगे हैं धीरे धीरे। तो चलिए जी, आज हम चलाएंगे स्कॉर्पियो को। गाड़ी तो मैं बैक करके ले आया, लेकिन एक चीज का कंफ्यूजन हो गया, इस गाड़ी को पहली बार चला रहा हूँ ना, इस पे रिवर्स गियर तो इस साइड है। एक चीज बताइए, रिवर्स गियर लगता कैसे है? मैं तो लगाए उठा के लगता है। ये उठता है, न्यूट्रल है ना, है? क्लच दबा हुआ है। अच्छा, थोड़ा दबाना पड़ता है। हाँ, नहीं पूरा इधर को करके ना ऐसे करके ऊपर करो। अच्छा, हो गया। ना ना ना, मैं अच्छा यहाँ तक तो पहले गियर में ना, इधर पूरा करो इसे ऐसे ना। अच्छा, एक स्टेप यहाँ पे रुकता है। अच्छा, छोड़ना एक बार फिर आगे कर देना। अच्छा ये, अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं पता कैसे करी बैग तब वो ढलान के सहारा लिया, पहले गियर में ले गया फिर ढलान के सहारे पीछे। आगे बढ़ते हुए अभी मैं गिफ्टी भैया को ले आया हूँ सीधे गेट गांव के पास तक। यहाँ ठीक सामने देखिए पहाड़ों पे भी खूब हरियाली छाने लगी है जो कि धीरे धीरे ऊपर को बढ़ रही है। सामने पहाड़ को काट के बनाई गई है रोड गडगू गांव के लिए, और ऊपर का जो ये पहाड़ है ना वो हमें बुला रहा है कुछ दिनों के बाद। वो पिछले साल से बुलाया जा रहा है लेकिन पता नहीं प्लान कैंसिल हो रहे हैं हर बार, कुछ न कुछ बहाने लग रहे हैं। भाई कैसा लगे हमारे पहाड़? उस समय भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। देखने लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं भैया, स्ट्रगल बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है। देखो दू वहाँ बनाए घर पहले के लोगों ने, उधर पे देखो वो वाले घर। चलो जी, गेट गांव की सैर भी हुई, बाकी स्कॉर्पियो को चला के तो बढ़िया लगा भाई, मतलब काफी सही है चलने में पहाड़ों के लिए क्योंकि सबसे बढ़िया है इसका ग्राउंड क्लियरेंस और यहाँ की ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए। अभी मैंने यहाँ पे गाड़ी बैक करी और गाड़ी से ना पूरी जो पेंटिंग है वो उखड़ सी रही है पता नहीं क्यों, जबकि धूप भी बड़ी तेज लगी हुई है। बहुत दिनों के बाद अपने नए वाले घर पे आना हुआ है, काम तो अभी रुका हुआ है
कल से मिस्त्री लोग आ जाएंगे तब काम आगे बढ़ेगा। अभी तो पूरी शटरिंग बस ऐसे ही लगी पड़ी हुई है और ऊपर लगातार क्योरिंग का काम चल रहा है छत पे। 10-15 दिनों के बाद शटरिंग भी खोल देंगे, फिर प्लास्टर वगैरह का काम आगे जारी रहेगा। जितना भी अपने पे मटेरियल है वो पूरा लगाना है एक बारी। और अंदर कमरों में ना ऊपर से खूब सारा पानी आ रहा है, तो पूरी खाल सी बनी हुई है यहाँ। और अब तो कमरों में आवाज गूंजने सी लगी है क्योंकि पूरा पैक होने लगा है ना चारों ओर। बाकी पूरे घर पे पापा जी ने अच्छे से सफाई कर दी है और यहाँ अभी ना खुला खुला सा माहौल लग रहा है। बाकी ट्रिप से घर आने के बाद एक काम सबसे जरूरी रहता है, एक तो आराम करना, वीडियो एडिट करना, और दूसरा कि कपड़े धोना जो भी पूरी ट्रिप पे यूज हुए हैं। अगली ट्रिप की तैयारियां भी जो करनी है। शाम के अभी 3:30 हो रहे हैं, माँ पापा गए हैं गांव में खेत में हल लगाने के लिए। अभी हमारी तैयारी है ठीक सामने रांसी गांव कूल पहाड़ी के गांव में जाने की, उससे मिलना है और उससे कुछ काम भी है। धीरे धीरे गेहूं की सार पूरी खाली होने लगी है, कुछ लोगों ने कटाई नहीं करी है और वो वही चाची लोग हैं जो हमारे साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पे इस साल चल रहे थे। पूरी यात्रा के दौरान सिर्फ एक बार उनसे मुलाकात हुई थी। अब आज के दिन में तो मैं ही इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ यहाँ से रांसी गांव तक। आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं जुगासु के पुल के पास में, और ये पुल बना है मधुगंगा नदी पे। काफी बड़ा सा पुल है लेकिन आपदा के टाइम पे ना इसने पूरा साथ दिया इस वैली का। बहुत भयंकर सा फ्लड आता है मॉनसून के टाइम पे, और जब आपदाएं आई थी ना उस समय भी ये पुल बरकरार था यहाँ पे। और मॉनसून के टाइम पे तो दूर दूर तक पानी भरा रहता है, और पिछले साल भी मॉनसून के टाइम पे बड़ा खतरनाक सा माहौल हो गया था, बहुत सारी लकड़ियां बहकर यहाँ तक आई हुई थी। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी एक जगह पे रुके हैं जहाँ पे कि हमको पहाड़ों की पारंपरिक चक्की दिखाई दी है, इसको बोलते हैं घराट। अभी तो बंद है और आजकल नदी में पानी भी कम है जिस वजह से इनको आजकल नहीं चलाते हैं, लेकिन मॉनसून के टाइम पे ना इन सब चीजों को बहुत यूज करते हैं अभी भी पहाड़ों में। और पहले सिर्फ यही चक्कियां हुआ करती थी। इनकी एक खास बात होती है, इनमें जिसकी ये चक्की रहती है या तो ये पंचायत की होती थी मतलब सभी की सामूहिक चक्की, या फिर अगर किसी स्पेशल एक पर्सन की है तो वो पैसे नहीं लेता था गेहूं वगैरह पिसवाने के। उसमें से जैसे 10 किलो के आटे में से आधा 1 किलो आटा निकाल के उसको भगोड़ू बोलते थे, तो उसी में उनका काम चलता था। सोचिए पहले का जमाना कैसे था ना, पैसे का उतना मोल नहीं था, चीजों का था, खान पान की चीजों का था। तो यहाँ पे चाची बॉडी जी लोग मिले हैं, ये तुम्हारा गुम क्या जी उरियाणा से ना, तो इनके कंधे में है मयत। तो इसका काम आजकल ही होता है खेतों में खरपतवार निकालने का। यहाँ पे पुपू मिल गई, रिश्तेदारी हो गई यहाँ पे। पहाड़ की महिलाएं बहुत मेहनत करते हैं। अब इसके बाद काम शुरू हो जाता है खेतों से खरपतवार निकालने का, और जो ये इनके कंधे में है इसको मया बोलते हैं। तो चले जी पहुंच चुके हैं रांसी गांव में। बाकी बहुत समय के बाद यहाँ आना हो रहा है, यहाँ भी सभी लोग लगे हैं गेहूं की कटाई वगैरह करने पे। ठीक सामने पे है माँ राकेश्वरी देवी का मंदिर, जय माता दी। बाकी यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिया है, अब एक बार चलते हैं सबसे पहले कूल पहाड़ी के घर पे। बाकी पूरे रांसी गांव में अभी नए नए होटल होम स्टे वगैरह बन रहे हैं, सभी यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि हर साल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उनके रहने की व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए ऐसे में। तो यहाँ पे छोटी बुल्ली मिली, क्या तो की बुचे मरछे की सब्जी। चलो जी पहुंच चुके हैं कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट के घर पे। यहाँ पे तो हम लगातार आते रहते हैं ट्रैक के टाइम पे, मधुसूदन धाम की यात्रा के टाइम पे। तो चले जी दीपक लोगों के घर के पास में यहाँ पे होम स्टे वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी चलते हैं। उन भैदी लोगों का यहाँ पे होम स्टे है जो कि हमको लेने के लिए आए थे जब हम मधमहेश्वर से कल्पेश्वर का ट्रैक करके वापसी आ रहे थे, इन्हीं की गाड़ी में हम आए थे। तो यहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं, रांसी गाँव में बहुत सारे होम स्टे वगैरह हैं, और ये भी उनमें से एक है जो कि बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन पे है। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम कुछ नहीं। कुछ नहीं क्यों नहीं कर रहे कुछ? ते मना रहे भूयो। चलो जी यहाँ पे कुछ पर्यटक आए हैं और अपने व्यूअर्स भी हैं। आप लोग कहाँ से? मुंबई से। अच्छा अभी कहाँ कहाँ से होके आ रहे हैं? अभी हम लोग कार्तिक स्वामी करके आए। अच्छा कार्तिक, कैसा रहा वहाँ का? बहुत बढ़िया। अभी हम यहाँ से तुंगनाथ फिर रुद्रनाथ जाएंगे, और हम लोग हमेशा आते तभी यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि ये एक नंबर सर्विस है और बहुत अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से। अच्छा तो चले जी अब यहाँ से भी निकल पड़ते हैं, मिलते हैं जल्दी।
चले जी, यहाँ दीपक भाई के घर पे भी काम लगा हुआ है ऊपर से मंजिल चढ़ाने का। तो सारा जो भी मेटेरियल है उनका घर तक पहुँचा हुआ है। यहाँ पे बजरी का ढेर है, ईंटे हैं, सरिया वगैरह, गिट्टियाँ वगैरह सब चीजें। अब कुछ समय में जब हम आएंगे तो ऊपर से मंजिल चढ़ी हुई मिलेगी हमें। अभी कितना टाइम लगेगा भाई? अरे अभी शुरू ही नहीं हुआ, टाइम तो दो चार महीने लगेंगे। हमको बहुत जिद कर रहे हैं कि आज यहीं रहिए, लेकिन घर जाना भी जरूरी है, मेरा बहुत सारा काम है वो मुझे करना है। बाकी ऊपर छत पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे अभी कितना काम हुआ है इनका। बस अभी यहाँ पे सरिया वगैरह बना गया है, जो भी बीम कॉलम गार्डर वगैरह पड़ते हैं, और कुछ समय में काम पूरा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब हम मधुमेश्वर धाम की यात्रा पे जाएंगे तो कुल पहाड़ी के घर पे फिर से आना होगा उसी दिन। तो चले जी, आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं अक्तोली धार में, जहां से कि भगवान मधुमेश्वर जी के धाम का ट्रैक शुरू होता है। वैसे रोड भी कटी हुई है थोड़ा सा आगे तक, लेकिन वहां भी पूरा कच्चा माहौल है, और यहां से पैदल रास्ता है और ठीक सामने इस वाले पहाड़ पे चढ़ना होता है हमें। और यहां तो हम लगातार आते रहते हैं, और हम पिछली बार गए थे यहां इन पहाड़ों के पीछे ट्रैक करने के लिए, जब हमने करा था मधुमेश्वर टू कल्पेश्वर वाला ट्रैक। बाकी यहां तक आप अपना व्हीकल ले आ सकते हैं मधुमेश्वर यात्रा के दौरान। दीपक भाई, अभी तो यहां रोड कटी है, तो नीचे के रास्ते के क्या हाल है? नीचे वाला जो रास्ता है वहाँ पत्थर गिरने का ज्यादा डर है, लेकिन हो सकता है अभी जो नया रास्ता है वो यहाँ ऊपर से ही बनाया जाए। बाकी यहाँ पे उन लोगों ने टेंट वगैरह लगाए हैं जो लोग यहाँ काम करते हैं रोड कटिंग का। गिफ्टी भैया हमारी वीडियो इतने गौर से देखते हैं कि उनको हर ट्रैक की हर जगह अच्छे से पता है, कहाँ से गाँव दिखता था, कहाँ पे आपने क्या बोला था, क्या खाया था, मतलब कि बड़े ध्यान से हमारे ब्लॉग देखते हैं। और इस वाली रोड का काम बहुत सालों से ऐसे स्थगित पड़ा हुआ था, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारी परमिशन वगैरह होती हैं, तो वो सब करने के बाद ही रोड जा पाती है किसी गांव में। बाकी यहां से देखिए ठीक सामने वाले पहाड़ पे झरनों में अभी भी खूब सारा पानी है। बाकी यहां पे हमें दिखा है चीड़ के पेड़ का फल, इनको हमारे यहां थ्यंची बोलते हैं। कई लोग इसको जलाने के रूप में भी काम में लेते हैं, और कई इससे घर में सजावट भी करते हैं। उम्मीद तो है कि कुछ समय बाद तक गोंडार गांव में रोड चली जाएगी, अभी तो काम होने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों को काट के रोड बनाना आसान नहीं होता है। सड़कें तो बनेंगी, लेकिन बड़ी खतरनाक सी, क्योंकि यहाँ से देखिए कितनी भयंकर सी खाई है नीचे, बहुत दूर तक सीधे नदी दिखाई दे रही है नीचे। अरे बड़ी बड़ी सी मशीन है, और इनको चलाने वाले लोग, सैल्यूट है उन सभी को। ऐसे पहाड़ों को काट के रोड बनाना आसान नहीं होता है। बाकी आप देखते हैं कब तक यहाँ मधुमेश्वर धाम के पास तक रोड जा पाती है, तब यहाँ खूब सारे श्रद्धालु आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, और यहाँ के लोगों का रोजगार भी पटरी पर आ पाएगा। नहीं तो ये दूरस्थ गांव है, पहले तो यहाँ रोड तक की व्यवस्था नहीं थी। सोचिए तब के जमाने के लोग कैसे रहते होंगे, दूर दूर तक राशन पानी ले जाना, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तब कैसे वो लोग सर्वाइव करते होंगे। बाकी अब ये देवभूमि उत्तराखंड है, तो यहीं पास में देखिए कुछ चुनरी वगैरह, पगड़ी वगैरह रखी हुई है, तो ये सब चीजें लगाई रहती है। यहाँ बणदियो अछरी वगैरह पूजन होता है, तो उन सब के पूजन के बाद वो सब चीजें रखी जाती है। अब पीछे चट्टाने इतनी भयंकर है कि मानसून के टाइम पे जब इन्हें पानी भरेगा ना, तब ये नीचे खिसकती रहती है। जहाँ नई रोड बनती है ना, वहाँ मानसून के टाइम पे बड़ा खतरा रहता है आने जाने में। बाकी अब ठीक सामने अक्तोली धार के टॉप पे एक नया टावर लगा है, शायद इसकी रेंज मधुमेश्वर धाम तक होगी, तो वहाँ अच्छे से सिग्नल आएंगे तो आसानी हो जाएगी। अब आए हैं अभी थोड़ा सा आगे पे, जहाँ से पूरी मधुमेश्वर घाटी दूर दूर तक दिखाई देती है, और नीचे देखिए मधुगंगा नदी कितनी सर्पिले कार में आगे को बढ़ रही है। और दीपक भाई का घर है तरसाली वाला है, ठीक यहाँ पे रांसी गांव रह गया यहाँ ऊपर। तो चले जी, खूब सारी बातें भी होगी, अब धीरे धीरे निकल पड़ते हैं मधुमेश्वर घाटी के रांसी गांव से अपने गिरिया मनसुना की ओर। दीपक भाई से विदा लेते हैं, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी है। चलो जी, ये है रात के टाइम पे मनसुना मार्केट अपना बिल्कुल सुनसान सा, और हम भी रांसी गांव की सैर करके पहुंच चुके हैं अभी, अब चलते हैं सीधे घर की ओर। बाकी यहाँ पे आ गई है हिमगिरी एक्सप्रेस, जो कि कल सुबह 5 बजे यहाँ से हरिद्वार के लिए रास्ता लगेगी, और लगभग दिन के 1 बजे तक हरिद्वार आपको पहुंचा देगी। बाकी अभी ट्रिप से घर आने के बाद बहुत सारा काम बाकी है, वो भी अभी पूरा करना है। और अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।